ईश्वर ही है और है कौन। तो हम प्रेम के सभी डायमेंशन समझ रहे हैं और कोई भी स्टैंपिंग नहीं कर रहे। प्रेम ऐसा करना ही प्रेम है, ऐसा न करना प्रेम नहीं है। पीछे भावना क्या है, प्रेम का कानून क्या है, ये सब समझेंगे तो आप सही प्रेम को बिन फ्रेम जान पाओगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे अदृश्य नियमों के पारखियों, विश्ववासियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवारकर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए हमें धन्यवाद प्रार्थना करनी चाहिए। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से सब अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवक तैयार हुए हैं। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर हम भी लोक कल्याण में भागीदार बने, ऐसे उद्देश्य की आज आवश्यकता है। सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए योग्य निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां हर जीव से दूर रहे और स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे। ऐसी समझ मन में रखकर हम सब हाथ जोड़कर या उठाकर प्रेम भाव में प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए, विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए आपका आभार। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों
और मशालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से हम अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। इस कृपा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुम्हारे अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर सब चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। हे परमात्मा की कुदरत, हम सबको बल दो ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए सही निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां जीवों से दूर रहें और स्वास्थ्य सदा पास रहे। स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे, स्वास्थ्य सबके पास रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य का पता सबको चले, सबको चले, सबको चले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आज का टॉपिक प्रेम है, तो कौन सा प्रेम? प्रेम बिन फ्रेम। प्रेम बिन फ्रेम, फ्रेम होता है ना फोटो के ऊपर, उसके ये प्रेम यानी ऐसा इसके अंदर बैठता है, मगर प्रेम फ्रेम में नहीं आता। प्रेम किसी फ्रेम में नहीं आता। प्रेम जानने के लिए हमें इस फ्रेम को हटाना पड़ेगा। और ये फ्रेम क्या है ये तो आज समझ कर ही जाओ, इतना भी समझ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा।
प्रेम बिन प्रेम, जो प्रेम कारणों से है वो सच्चा प्रेम नहीं है। कारण सुंदर चेहरा है तो प्रेम है, चेहरा बदल गया प्रेम खत्म हो गया, ये कारणों वाला प्रेम है, कारणों वाला प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम की कल्पना से बाहर आना है। और प्रेम इलाका भी नहीं है, इलाका इलाका यानी जैसे जमीन का टुकड़ा होता है इलाका, तो वो इलाका नहीं है कि ये मुझे इस पर कब्जा जमाना है, इलाका है इसको इस पर मैं कब्जा जमाऊं। तो अनजाने में लोग क्या करते, प्रेम पर कब्जा अधिकार अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लोग सच्चे प्रेम को भूल गए हैं, इसलिए प्लास्टिक प्रेम चलता है, प्लास्टिक के फूल ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मगर इन कल्पनाओं में हमें नहीं जाना, हकीकत जानना है। हकीकत में तो प्रेम और क्या डायमेंशन रखता है। आपके मित्र की आलोचना आपके अंदर सुधार लाने के लिए प्रेम है। व्यंग क्रिटिसिज्म प्रेम है, मगर इंसान क्रिटिसिज्म को प्रेम नहीं समझ पाता, मगर वो प्रेम है। देखो, जो प्रेम लगता था वो प्रेम नहीं था, जो है वो लगता नहीं है। माँ बाप या गुरु शिष्य को बच्चे को सुधारने के लिए, उसकी मूर्खता मिटाने के लिए डांटने की क्रोध की एक्टिंग करते हैं, तो वो प्रेम है। लोग उस क्रोध को प्रेम नहीं समझ पाते, एक्चुअली वो प्रेम है। तो हम प्रेम के सभी डायमेंशन समझ रहे हैं और कोई भी स्टैंपिंग नहीं कर रहे, प्रेम ऐसा करना ही प्रेम है, ऐसा न करना प्रेम नहीं है। पीछे भावना क्या है, प्रेम का कानून क्या है, ये सब समझेंगे तो आप सही प्रेम को बिन फ्रेम जान पाओगे। फ्रेम क्या है प्रेम पर, ये फ्रेम है पैकेट्स का, पैकेट अभी पैकेट को भी समझ लो। पैकेट का अर्थ क्या है, कोई भी हम अनुभव लेते हैं ना तो हम उसको एक पैकेट में बंद करते, पूरा बंद करके एक पैकेट बनाते, उसको मन की जेब में रखते। जो भी अनुभव हमें मिलता है उसका हम पैकेट बनाते हैं। अब दूसरी बार वही अनुभव जब मिलता है तो पहला वाला पैकेट खुल जाता है। अभी इसको एग्जांपल से समझो क्योंकि बहुत गहरी बात है, समझ में आ गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। पॉइंट को समझो, आपने कभी क्या गुलाब जामुन खाकर चाय पी है या मीठा खाकर चाय पी है? हाँ, तो क्या अनुभव आता है, चाय फीकी लगती है। क्यों? कि जुबान पर पैकेट है, जुबान पर पहले से पैकेट है जो खुल गया है। मीठा खाया है तो पहला वाला अनुभव, अब दूसरा नया अनुभव आ रहा है चाय का, मरा बोल तो फीकी है। फीकी क्यों है? पहले वाला पैकेट साफ करो, पहले फीका खाओ कुछ, तो फिर चाय पीते तो मीठी हो गई वापस। तो क्या वो फीकी हुई थी? क्या फीकी हुई? नहीं थी, हमें लगा। तो समझ क्या है कि हमें प्रेम के अनुभव मिलते हैं मगर हम फिर क्या करते, उसका पैकेट बनाते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।